कुंज बिहारी जय राध माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपीजन जय गोपीजन वल्लभा गिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंद यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुन तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
राधा माधव भगवान की। हरे कृष्ण। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं स्वगणललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए। आज बहुत सुंदर तिथि है। आज इतना सुंदर तिथि है कि क्या कहा जाए। आज जगत की आराध्या माता सीता का जन्मदिन है। आज जगत जननी आज के दिन ही इस धरा धाम पर प्रकट हुई थी सीता जी, और आज के दिन ही माता जाह्नवा देवी का भी जन्मदिन है। और जो मधु पंडित हैं उनका तिरुभाव दिवस है आज। तो बहुत शुभ तिथि है, सुंदर आज का तिथि है। अगर आज के दिन अगर कोई व्यक्ति माता सीता के चरणों में बैठ करके उनसे अगर आशीर्वाद ले तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की भक्ति अस्थायी रूप से बनी रहेगी। तो अति संक्षेप में मैं माता जाह्नवा के विषय में बताऊंगा, इसके बाद में मैं सीता जी के विषय में कथा सुनाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दे करके सुनिएगा कि जो कृष्णा अवतार में जो बलराम जी हैं वहीं चैतन्य महाप्रभु के समय में नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। और बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ में हुआ था जो कि रेवत की पुत्री थी, कुकुद्म की लड़की थी, उनके साथ में उनका विवाह हुआ था। और इधर जब नित्यानंद प्रभु आए जिनके पिताजी का नाम है हरिया पंडित और उनकी माताजी का नाम है पद्मावती जिनका जन्म एक चक्रा ग्राम में हुआ था, तो उनका विवाह हुआ
जाह्नवी माता के साथ में नित्यानंद प्रभु का विवाह हुआ है, क्योंकि ये सूर्यदास की पुत्री हैं और यह अनंग मंजरी में से एक सखी हैं। तो इनका विवाह हुआ था नित्यानंद प्रभु के साथ में और इनकी माँ का नाम है भद्रावती, भद्रावती उनके माता जी का नाम है। तो जो जाह्नवी माता हैं वो वृंदावन में आई थी और वृंदावन में जब आई तो बहुत आचार्य लोग उनसे मिलने के लिए गए थे, जिसमें जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ स्वामी आदि सब लोग उनसे मिले और उन सबके साथ में वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में गई दर्शन की। उन मंदिरों का नाम है मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव जी, और इसके बाद में वो राधा कुंड में आकर के भजन की, तपस्या की। राधा कुंड आज भी उनका स्थान है, राधा कुंड में जहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि है वहीं पर बगल में उनका भी स्थान है, बहुत सुंदर जगह है। तो वहाँ बैठ कर के उन्होंने तपस्या की, भजन की, और जब तपस्या कर रही थी तो उनको भगवान के बंसी का आवाज़ सुनाई देता था, भगवान कृष्ण जो बंसी बजाते हैं उनका आवाज़ सुनाई देता है। तो एक रूप से जब नित्यानंद प्रभु चले गए तो आचार्य रूप में सब जगह जा जा करके प्रचार करना, घूमना, जहाँ के रहने वाले हैं नरोत्तम दास ठाकुर उस गांव में वो गई, जिस गांव का नाम है खेतुरी, तो वहाँ पर रही और वहाँ उनके पास लोग आते थे। तो इस तरह जाह्नवी माता जी के विषय में बताया गया है। और मधु पंडित जो हैं उनके विषय में बताया जाता है कि वह गोलोक वृंदावन में चंपक लता सखी के समूह में मंडली संखी के रूप में वहाँ वो रहते हैं और उनका समाधि स्थान जो है वृंदावन में जो राधा गोपीनाथ जी का जो मंदिर है, राधा गोपीनाथ मंदिर आप लोग दर्शन किए होंगे वृंदावन में, तो प्रवेश द्वार के दाएं ओर मधु पंडित जी का समाधि स्थान है। तो इन सब कथाओं को कहने में बहुत कम समय हम सीता जी के विषय में नहीं बता पाएंगे, इसलिए आप लोग ये सब तो कथा सुनते ही हैं, सीता जी के विषय में विशेष करके सुनिए कि जो भगवान की पत्नी सीता जी हैं उनका भी आज आविर्भाव दिवस है, प्रकट दिवस, आज ही इस धराधाम पर आई थी सीता जी। तो उनके विषय में बहुत सुंदर कथा इस प्रकार है, आप लोग बिहार में सीतामढ़ी गए हैं कभी, इसमें से कोई गया है कि नहीं? बिहार में वो जगह है सीतामढ़ी, जनकपुरी नेपाल में है और सीतामढ़ी बिहार में है। मैं इस पर बहुत सुंदर बोला हूँ, मेरे यूट्यूब में ये है छोटा सा वीडियो, बहुत सुंदर बोला हूँ सीता जी के जन्म के विषय में, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, अभी भी डायरेक्ट सुन सकते हैं। तो बताया जाता है कि वहाँ पर 12 बरस तक अकाल पड़ा था। एक बार जनक महाराज जब राजा थे तो 12 बरस तक अकाल पड़ गया था, कुछ हो ही नहीं रहा था। तो सब लोग परेशान थे, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषिगण सब लोग एकत्रित हुए, भाई अब क्या किया जाए। तो उस समय जनक जी को कहा गया कि आपको हल जोतना पड़ेगा, एक राजा हैं वो हल कैसे जोतेंगे, लेकिन कहा गया कि आपको हल जोतना होगा। हल, हल मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं ना, आजकल के लोगों को समझना भी बड़ा मुश्किल है इसलिए समझाना पड़ता है। हल दो बैल होते हैं, पहले हमारे यहाँ हम लोगों के यहाँ अपना जो खेत है उसमें खेती करते थे, दो बैल और उसमें एक लकड़ी का लंबा होता है हल, उसको पकड़ करके सारे खेतियों को जोता जाता है, अब तो ट्रैक्टर आदि हो गया। तो कहा गया कि आपको हल जोतना पड़ेगा और हल जोतेंगे तब बारिश होगी। तो जनक जी प्रजा के सुख के लिए, राजा है, राजा का कर्तव्य होता है प्रजा सुखी रहे, उसी को अच्छा राजा माना जाता है जो प्रजा के हित के लिए हमेशा सोचे।
राजा का मतलब ही होता है पिता की तरह सोचने वाला। जैसे पिता अपने पुत्र के प्रति प्रेम करता है, वैसे ही राजा प्रजा के प्रति प्रेम करते हैं। और राजा को वास्तव में भगवत स्वरूप माना गया है। जो महाराज परीक्षित को श्राप दे दिए थे श्रृंगी ऋषि, उनके पिताजी के गले में सर्प डाल दिए थे महाराज परीक्षित, समीक ऋषि जो तपस्या के लिए बैठे हुए थे उस समय महाराज परीक्षित गए थे, उनको प्यास लगी और सर्प डाल दिए थे, तो उस समय बगल में उनका पुत्र श्रृंगी खेल रहे थे, उनको जब पता चला तो श्राप दे दिए कि तुम मेरे पिता के गले में सर्प डाले हो ना, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि आज के सातवें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो जब समीक ऋषि का ध्यान टूटा और उनको पता चला कि मेरा बेटा महाराज को श्राप दे दिया है, तो वहाँ पर श्रमिक ऋषि क्या कहते हैं श्रृंगी को कि बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, महाराज श्राप के लायक नहीं हैं, एक धर्मात्मा राजा हैं, और राजा जो होते हैं वो भगवत स्वरूप होते हैं, प्रजा के लिए भगवान ही होते हैं, इस बात को वहाँ पर वो बोले हैं। तो जनक जी एक बहुत बड़े राजा हैं, अब राज्य में सब लोग त्राही त्राही, सब लोग कष्ट में हैं, दुखी हैं, तो राजा कैसे सुखी रह सकते हैं? असली राजा वही होता है कि प्रजाओं के लिए सोचे, प्रजाओं के दुख को दूर करे, उसको खाने की व्यवस्था करे, रहने की व्यवस्था करे, दवाई की व्यवस्था करे। जैसे हम लोगों के देश में जब कोरोना हुआ था तो उस समय हम लोगों के राजा खाने की व्यवस्था किए थे, सबको फ्री भोजन दे रहे थे, ऐसा होना चाहिए, यही राजा का कर्तव्य है। और ऐसे राजा जब होते हैं तो प्रजा सुखी होते हैं। तो वहाँ 12 बरस तक अकाल पड़ गया था, कुछ भी था ही नहीं, तो कहा गया कि आप जब स्वयं अपने हाथों से हल जोतेंगे तब बारिश होगी। तो महाराज कहे कि ठीक है। तो एक जगह है सीतामढ़ी क्षेत्र में, जब आप लोग जाएंगे कभी अवसर मिले तो जाइएगा, हम तो बहुत बार गए हैं उधर कथा करने जाते हैं, अभी भी जाना है, नेपाल में कथा है। तो एक जगह है हलेश्वर महादेव, वहाँ महादेव जी का एक मंदिर है छोटा सा शंकर जी का, हलेश्वर, हलेश्वर महादेव। तो वहाँ जनक जी क्या किए कि सबसे पहले वहाँ एक सोने के हल, स्वर्ण का हल था, उस हल की पूजा किए। जिस हल से खेती करना है उसका पूजा करना चाहिए। जैसे अभी 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 अक्षय तृतीया बीता है, तो अक्षय तृतीया के दिन जानते हैं जो किसान लोग होते हैं, जो खेती करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए 9 वर्ष आता है अक्षय तृतीया के दिन, और उस दिन वो लोग खेत की पूजा करते हैं, हल की पूजा करते हैं। बिहार में आज भी वो पूजा किया जाता है जिसको समहूत बोलते हैं, नए साल के लिए पूजा करते हैं, इसके बाद उस दिन से खेत को जोत सकते हैं, नहीं तो नहीं जोत पाएंगे। गेहूं कटने के बाद में बिना मुहूर्त बिना पूजा के खेती को नहीं जोता जाता है, नहीं खोदा जाता है, नहीं तो अपराध लगता है, दोष लगता है। तो जब खेती करना है, हल जोतना है, तो जनक जी ने क्या किया कि स्वयं उस हल की पूजा किए सुंदर ढंग से, और फिर महादेव जी की पूजा किए जो शंकर जी थे, उनकी विधि विधान से बहुत सुंदर ढंग से पुष्प अक्षत जल द्रव्य आदि के द्वारा उनकी पूजा किए, मिष्ठान आदि को भोग लगाए। और पूजा करने के बाद में वो क्या किए कि शंकर जी से आदेश लिए, उनका आशीर्वाद लेकर के वहाँ से हल जोतना प्रारंभ किए। अब हल जोतने लगे और हल जोतते जोतते बड़े प्रेम से हल जोत रहे हैं महाराज जनक, और जोतते हुए वो कहाँ आए, हलेश्वर महादेव से चल करके एक जगह है जिस जगह का नाम है पुनौरा, पुनौरा उसको पुनौरा धाम भी कहते हैं, बहुत सुंदर वहाँ पर सीता जी का मंदिर है आज भी। तो वहाँ से जोतते जोतते महाराज हल को जोतते हुए पुनौरा धाम तक आए, लगभग 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी तक हल जोतते हुए।
और जब आए तो पुनौरा गांव, पुनौरा धाम जिसको अब हम लोग कह सकते हैं, तो वहाँ जब आए तो उनका जो हल है एक जगह फंस गया। हल जोत रहे थे तब तक वहाँ खेत में ही, बीच खेत में आते आते वो हल रुक गया। तो सोचने लगे कि ये कैसे रुक गया, क्या बात है। तो देखते हैं तो वहाँ एक मटका था, स्वर्णमय मटका, उसमें जाकर के उनका हल धरणी में, धरणी कहते हैं पृथ्वी को, धरणी को खोदते हुए हल जा रहा था और तब तक वहाँ जाकर के वह हल फंस गया। और जब हल फंसा तो देख रहे हैं कि एक सुंदर मटका है और उसमें एक दिव्य सुंदर सुशीला जिसमें से प्रकाश निकल रहा है, एक छोटी सी कन्या उसमें है। तो उसको उठाए और देखे तो एक सुंदर कन्या, जनक जी का कोई संतान नहीं थे उस समय, तो उस कन्या को लेकर के आए जिनका नाम हुआ सीता। जनक जी के द्वारा प्राप्त होने के कारण उनको जानकी कहते हैं, जनक ने उनको प्राप्त किया था, प्रकट किया था, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, जानकी। तो जहाँ वो निकली थी वहाँ एक कुंड है जिसको सीता कुंड कहते हैं, जानकी कुंड भी कह सकते हैं, सीता कुंड। तो वहाँ पर सीता जी प्रकट हुई हैं और वह दिव्य कन्या थी, सुंदर कन्या। उसको देख करके महाराज बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। और उस समय बारिश अब होना चालू हो गया, मतलब बारिश हुआ, बहुत सुंदर फसल आदि हुए। तो जब सीता जी का जन्म हुआ तो आनंद ही आनंद छा गया, सभी लोग प्रसन्न हो गए, जितने लोग थे सभी लोग खुश हो गए, आनंद में हो गए। सीता जी के जन्म होते ही बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हुए। तब किसी को रहा नहीं जा रहा है तो सब लोग गाना प्रारंभ कर दिए थे, एक हम भी भजन गाना चाहते हैं, छोटा सा, दो तीन लाइन का है। आप लोग मेरे साथ गाएंगे? गाएंगे ना, बधाई गीत है, सीता जी का जन्म है तो थोड़ा बधाई होना चाहिए ना। अरे प्रगति सिया सुख दैया, सिया, सिया मतलब सीता जी, सुख को देने वाली हैं, आनंद को देने वाली हैं, उनका प्राकट्य हुआ है। अरे प्रगति सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया, प्रगति सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे, प्रगति सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया, प्रगति सिया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, प्रगति सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया, प्रगति सिया, बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया, बाजे। उस समय देवता लोग भी आ गए हैं, आकाश में पुष्प बरसा रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं सारे देवता लोग। बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया, बाजे बधैया, प्रगति सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया, प्रगति सिया सुख दैया, जनकपुर में। अब देखिए क्या हो रहा है, धनी धनी जनक, जनकपुर धरणी, धनी धनी जनक, जनकपुर धरणी, धनी धनी जनक, धन्य है जनक जी,
और धन्य है जनकपुर की धरणी स्थान। धनी धनी जनक जनकपुर धरणी, 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 जनकपुर धरणी। धनी धनी जनक जनकपुर धरणी, धनी धनी जनक धन्य सुनैना मैया जनकपुर में बाजे बधैया, धन्य सुनैना मैया धन्य सुनैना मैया जनकपुर में बाजे बधैया, धन्य सुनैना मैया जनकपुर में। देखिए बधाई भी प्रवचन ही है, भगवान के कथा ही इसको समझना चाहिए, कथा में और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो बड़े आनंद के साथ में वहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, अब जब जन्म हुआ है तो किसी को रहा नहीं जा रहा है, जिसके पास जो है वो सब लुटाना चालू कर दिए। अरे बाबा लुटावत, बाबा माने जनक जी, अरे बाबा लुटावत हाथी और घोड़ा, बाबा लुटावत, बाबा लुटावत हाथी और घोड़ा, बाबा लुटावत हाथी और घोड़ा, हाँ हाथी और घोड़ा, हाथी और घोड़ा। मैया लुटावे सुनैना जी, अब सुनैना जी भी लुटा रही हैं, जो उनके पास में रत्न है और भी चीज़ है वहाँ पर, गाय हैं, उनके यहाँ गायों की कमी नहीं है। अरे मैया लुटावे धेनु गैया जनकपुर में बाजे बधैया, मैया लुटावे मैया लुटावे धेनु गैया जनकपुर में बाजे बधैया, मैया लुटावे धेनु गैया। और वो लोग तो लुटा ही रहे हैं, लेकिन जनकपुर के जितने लोग हैं, सीतामढ़ी के जितने लोग हैं, स्त्री पुरुष बच्चे जवान वृद्ध गरीब धनी जो भी हैं, कोई खाली हाथ वहाँ नहीं जा रहा है, सब कुछ न कुछ लेकर के गए हैं और लुटा रहे हैं। और लुटा ही नहीं रहे हैं, आनंद है ना, तो आनंद में क्या कर रहे हैं कि अंगना में अलीगढ़, अलीगढ़ माने सखीगण, जो सखियाँ हैं, जनकपुर के जो आंगन है जहाँ माता सीता का जन्म हुआ है, अंगना में अलीगढ़ नाचत गावत, अंगना में अलीगढ़, अंगना में अलीगढ़ नाचत गावत, अंगना में अलीगढ़ ताते ताता थैया जनकपुर में बाजे बधैया, ताता ताता थैया जनकपुर बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे नाचत ताता थैया जनकपुर में बाजे बधैया, नाचत ताता थैया। और जितने ब्राह्मण लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि वेद मंत्र सब, ब्राह्मण लोग ऋषिगण वेद मंत्र सब मुनि पढ़त है, वेद मंत्र सब, वेद मंत्र सब मुनि पढ़त है, वेद धनी धनी जनकपुर धरणी अवधे में बाजे बधैया, जनक
जनकपुर बाजे बधैया प्रगति सिया सुखदैया, जनकपुर बाजे बधैया प्रगति सिया सुखदैया, जनकपुर बाजे बधैया। तो बड़े आनंद के साथ में वहाँ बधाई गाया गया, सब लोग बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, सबको सुखी सुख का अनुभव हुआ, क्योंकि जगत की जननी माता सीता का प्राकट्य हुआ है। तो सभी लोग आनंद में हो गए। और जब सीता जी का जन्म हुआ तो सीता जी के विषय में आप लोग जानते ही हैं कि वो सीता जी इतनी बलशाली थी, इतनी शक्तिशाली थी कि एक बार अपने घर की सफाई कर रही थी और वहाँ धनुष रखा गया था, बहुत विशाल धनुष था जिसको कोई हिला नहीं पाता था, उठा नहीं पाता था, लेकिन सफाई करना था। सफाई मतलब गांव में आज भी गाय के गोबर से स्थान को सब पोता जाता है, लिपा जाता है, उसको क्या आप लोग बोलते हैं, चौका करना। तो आज भी गांव में होता है, जो मिट्टी का जगह होता है। तो सीता जी सफाई कर रही थी और तब तक हुआ क्या कि वो एक जगह पर था तो उसको अपने हाथ से उठा करके और दूसरे जगह रह करके उसको सफाई कर दे बड़े आसानी से। तो जनक जी आए तो देखे कि अरे ये धनुष यहाँ से यहाँ कैसे पड़ा हुआ है, इसको तो कोई हिला नहीं सकता है, ये कैसे हिला दी, कैसे उठा दी, कौन उठाया। तो पता चला कि उनकी जो बेटी है सीता वो इसको उठाई है। तब तो जनक जी कहे कि इसके अनुसार लड़का भी चाहिए ना, ये कोई साधारण बच्ची नहीं है, इस धनुष को उठाई है तो ऐसा लड़का के भी आवश्यकता होनी चाहिए। तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि जो इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ में मैं अपने बेटी का विवाह करूँगा, वही इसके साथ विवाह कर सकता है जो इस धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा डोरी को चढ़ा दे। ये बात सुन करके एक से एक राजा, एक से एक उस समय के जितने महाराज लोग थे सभी लोग एकत्रित हुए, सभी लोग, यहाँ तक कि रावण आदि भी, बाणासुर आदि बड़े बड़े लोग वहाँ पर एकत्रित हुए, सब लोग पहुँचे जनकपुरी में। अब सीता जी बड़ी हो गई हैं, अब कथा चल रहा है तो बस समझिए कि आज जन्म हुआ और इतनी बड़ी कैसे हो गई। तो जब जनक जी ने घोषणा कर दिया तो सभी लोग वहाँ पर आए, और जब सभी लोग आए तो धनुष को उठाने के लिए जब चलते हैं तो धनुष को उठाने की तो बात छोड़ दीजिए, हिला भी नहीं पा रहे हैं। और एक व्यक्ति नहीं, जितने पहलवान थे, जितने योद्धा लोग आए हुए थे, राजा लोग आए हुए थे, एक साथ मिल करके उस धनुष को उठाना चाह रहे हैं, हिलाना चाह रहे हैं, लेकिन वो हिल रहा है ना, उठ रहा है। तो जनक जी देखे तो कहे कि अरे, जनक जी को गुस्सा आया, क्रोध आया। और उस सभा में भगवान राम और लक्ष्मण जी भी गए हुए थे विश्वामित्र जी के साथ में। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांग करके ले गए थे, क्योंकि जंगल में अनेक प्रकार के असुर थे, वे असुर विघ्न डालते थे ऋषियों के यज्ञ में, तपस्या में। तो उन लोगों को मारने के लिए विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के गए थे। तो जब भगवान राम लक्ष्मण उनके साथ गए तो सबसे पहले तड़का आदि का वध करते हुए, गौतम जी के स्त्री का उद्धार करते हुए जब जनकपुरी में पहुँचे हैं तो उस सभा में वे दोनों भाई भी बैठे हुए थे, बगल में गुरु महाराज भी बैठे थे विश्वामित्र जी। तो जनक जी ने घोषणा फिर क्या किया कि अरे, मैं नहीं समझा था कि पृथ्वी वीरों से खाली है, नहीं तो मैं इस तरह का संकल्प ही नहीं किया होता, ऐसा मैं घोषणा ही नहीं किया होता। आज मैं समझ गया कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है, तुम लोग यहाँ से जाओ, इस तरह कार्य मत करो। तो जब इस तरह बोलने लगे तब उस सभा में लक्ष्मण जी बैठे हुए थे, उनको रहा नहीं गया, तुरंत तो उठ गए, कहे भैया क्षमा कीजिएगा, भगवान राम से कहते हम क्षमा कीजिएगा, जिस सभा में एक भी रघुवंश में से कोई व्यक्ति हो तो जनक इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए, आपको पता है इस धनुष की क्या बात है,
अगर मैं चाहूँ, प्रभु का आदेश हो, तो इस पृथ्वी को मैं कंदुक की तरह उठा करके फुटबॉल की तरह फेंक दूंगा। ये धनुष क्या चीज़ है? लक्ष्मण जी को इतना गुस्सा आया, कहे कि इस धनुष की क्या बात कर रहे हो, इस पृथ्वी को ही, इस धरणी को ही मैं ऐसा मारूंगा फुटबॉल की तरह, आकाश में घूमती रह जाएगी, समझे। जब इस तरह बोलने लगे, उनका ओठ फड़कने लगा लक्ष्मण जी का, तब भगवान राम इशारा किए कि बस बस बहुत ज़्यादा हो गया, बैठ जा चुपचाप, यहाँ बैठो। तो लक्ष्मण जी फिर बैठ गए। तब विश्वामित्र जी शुभ समय जान करके, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, शुभ समय जान करके, जो उचित समय था, उचित मुहूर्त था, उसको जान करके विश्वामित्र जी ने भगवान राम को कहा कि अब आप उठ जाओ। और भगवान जब उठे, तो भगवान उठते ही पहले क्या किए कि अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किए। गुरहु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, मन ही मन अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किए, क्योंकि धनुष उठाने के लिए जा रहे हैं, तो बिना गुरु के आशीर्वाद से, बिना भगवान के कृपा से ये सब कार्य नहीं हो सकता है। वो तो भगवान स्वयं हैं, उनके लिए तो ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर भगवान शिक्षा दे रहे हैं हम लोगों के लिए कि आप कोई भी कार्य करने के लिए जाइए तो गुरु चरणों में प्रणाम करिए, भगवान के चरणों में प्रणाम कीजिए, अपने आप पर घमंड नहीं करना है। तो गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लिए, और भगवान राम उस धनुष को ऐसे उठाए, कब उठाए, कब प्रत्यंचा चढ़ाए, कब तोड़ दिए, कोई देख ही नहीं पाया। भगवान देखते देखते उस धनुष को उठा करके उसके ऊपर डोरी चढ़ करके बीचों बीच तोड़ दिए। भगवान साइड में भी तोड़ सकते थे, लेकिन बीच में क्यों तोड़े, तो उसमें आचार्यों का भाव है कि भगवान सोचे कि अगर मैं साइड से तोड़ूंगा तो लोग कहेंगे कि अरे इधर का कमज़ोर था इसलिए तोड़ दिया, इसलिए मध्य में तोड़े, बीच में तोड़े, कि कोई ये ना कहे कि ये साइड वाला तोड़ा है। तो जब भगवान तोड़े, इसके बाद में सीता जी हाथ में जयमाला ली हुई थी, सुंदर माला, और माला लेकर के भगवान को पहनाने के लिए जा रही हैं। लेकिन भगवान में और सीता जी में लंबाई में बहुत अंतर है, भगवान लंबे हैं और सीता जी छोटी हैं। तो सीता जी का जो हाथ है भगवान के यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, माला पहनाने के लिए हाथ उतना दूर तक जाना चाहिए ना, तो वहाँ सभा लगी हुई है, बहुत लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, देखते हैं। और भगवान रघुवंश में जन्म लिए हैं, कभी अपने सिर को झुका नहीं सकते हैं, नीचे कर नहीं सकते हैं, और सीता जी का हाथ वहाँ तक जा नहीं रहा है, और जब तक माला पहनाएगी नहीं तब तक कैसे वरण होगा, बताइए। अब लक्ष्मण जी परेशान हो गए कि अरे भाभी अगर पहनाएगी नहीं तो कैसे हमारी भाभी बनेगी, और मैं क्या करूं, भाभी पहना नहीं पा रही हैं, भैया नीचे झोंक नहीं रहे हैं, तो बीच का रास्ता मुझे ही निकालना पड़ेगा, लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। तो लक्ष्मण जी क्या किए कि उसी समय गए, किसी को पता भी नहीं कि क्या करेगा, तब तक दौड़ते हुए लक्ष्मण जी गए और जा करके भगवान राम के चरणों में प्रणाम किए। और जो ही प्रणाम किए लक्ष्मण जी, उसी समय भगवान लक्ष्मण को उठाने के लिए अपने सिर को नीचे झुकाए और हाथ को ऐसे किए, उसी समय सीता जी माला को पहना दी भगवान के गले में। तो बहुत सुंदर ढंग से वर्णन है, बहुत अच्छा ये सब प्रसंग है। तो सीता जी के साथ में भगवान ने विवाह किया, और विवाह करके जगत जननी माता सीता को लेकर के भगवान अयोध्या में आए हैं। उस दिन चारों भाइयों का विवाह हुआ है, राम जी का विवाह सीता जी के साथ में हुआ, और जनक जी के ही लड़की थी उर्मिला जी, उर्मिला जी के साथ में लक्ष्मण जी का विवाह हुआ, और उनके जो छोटे भाई हैं कुशध्वज जी, उनके दो लड़की थी मांडवी और श्रुति कीर्ति। तो मांडवी के साथ में भरत जी का विवाह हुआ, और श्रुति कीर्ति के साथ में शत्रुघ्न का विवाह हुआ।
तो इस तरह चारों भाइयों का विवाह हुआ है। तो सीता जी का जन्म सीतामढ़ी में हुआ है और जनक जी का स्थान था जनकपुरी में, जिसको राजधानी भी आप कह सकते हैं। तो आज भी वो स्थान बहुत सुंदर है, दिव्य स्थान है, कभी समय मिले तो जा कर के दर्शन करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर जगह है, कुंड है, सीता जी का स्थान है, जिसको पुनौरा धाम के नाम से जानते हैं, जिस स्थान को सीतामढ़ी कहते हैं, सीतामढ़ी। तो वहाँ सीता जी का स्थान है। तो आज के दिन ही, आज बैसाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है, जिसको माधव मास कहते हैं, चैत्र महीना को मधु मास कहते हैं। मधु मास में भगवान राम का जन्म हुआ था, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। और माधव, बैसाख को माधव कहते हैं, माधव शुक्ल पक्ष नवमी के दिन सीता जी का जन्म हुआ है। ठीक एक महीना बाद, एक महीना पहले भगवान राम का जन्म हुआ था और आज माता सीता का जन्म हुआ है। तो हम लोगों को उनके चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम लोगों का मन भगवान श्याम सुंदर भगवान राम के चरणों में लगे और हमारी भक्ति बनी रहे। तो अवश्य ही माता जी हैं, माता जी आशीर्वाद देगी। इसी के साथ में आज का प्रवचन मैं यहीं पर विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।